16 तारीख को जो टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है उसमें 16 जगहों पर आपका टीकाकरण होगा। जो रजिस्टर्ड हैं उन्हें ही वैक्सीन मिलेगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी ही होंगे जिन्हें टीकाकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। पूरे देश में 16 जनवरी से जो कोरोना वैक्सीन है वो आ रहा है। ऐसे में राजधानी पटना भी अब कोरोना वैक्सीन के लिए पूरे तरीके से तैयार हो गई है। आपको बता दें कि राजधानी पटना के 16 जगहों पर जो कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण है वो किया जाएगा। ऐसे में जब हमने पटना की सिविल सर्जन विभा सिंह से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। 16 तारीख से जो टीका लगने वाला है उसकी क्या तैयारियां हो गई हैं और कितने लोगों को टीका लगेगा? 16 तारीख को जो टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है उसमें 16 जगहों पर को चुना गया है जिसमें आपका टीकाकरण होगा, जिसमें बख्तियारपुर PSC है, बाढ़ SDH है, बीटा PSC है, दानापुर SDH है, दानापुर धनरुआ PSC है, मनेर PSC है, फतुहा CSC है, मसौरी SDH है, GGS पटना सिटी है। उसके अलावा फुलवारी शरीफ PSC में होगा। फिर 4 मेडिकल कॉलेजेस जैसे IGMS, एम्स, PMCH और NMCH तथा 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी चुना गया है जिनमें पारस है, रूबन है और बिग अपोलो। इन सभी स्थानों पर टीकाकरण होगा जिसके लिए पूर्व में ही प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स के सारे स्वास्थ्य कर्मियों का नाम जो है पोर्टल पर चढ़ा दिया गया है। जो प्री रजिस्टर्ड हैं उन्हें ही वैक्सीन मिलेगा। कितने नाम रजिस्टर्ड हैं? अभी लगभग 687 नाम रजिस्टर्ड हो चुके हैं जिसमें प्राइवेट और सरकारी मिला करके। पहले चरण में कितने लोगों को लगेगा मैम, कौन से लोग होंगे? पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी ही होंगे जिन्हें टीकाकरण किया जाएगा। स्कूलों में मैम जो कोरोना जांच की जो बात आई थी, क्या आपके तरफ से कोई सरकार की तरफ से निर्देश मिला है? सरकार की तरफ से अभी निर्देश नहीं आया, आते ही हम उस कार्य को शुरू कर देंगे। तो आपने सुना साफ तौर पे पटना की सिविल सर्जन विभाग सिंह का कहना है कि पूरे तरीके से कोरोना टीकाकरण की तैयारी कर ली गई है। पटना के 16 जगह पर कोरोना टीकाकरण किया जाएगा और जो पहला चरण है इसमें जितने भी स्वास्थ्य कर्मियों ने प्री रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हीं को जो कोरोना का टीका है वो मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि लंबे समय से जो लोग कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे थे ऐसे में अब जो 16 जनवरी से पूरे देश में जो कोरोना का टीका है वो लगने लगेगा। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।